अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। आज 25 सितंबर है, तो आज अमरीन का भी फर्स्ट पेपर है, तो वो जा रही है अपने स्कूल। तो मैंने उसके लिए बनाए हैं बहुत ही अच्छे से सैंडविच, क्योंकि उसको सैंडविच ज़्यादा पसंद है। बच्चे लंच वक्त तो ले ही नहीं जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना कि वो कुछ लंच वगैरह कुछ खा पी सकें। तो मैंने बनाए हैं उसके सैंडविच, तो बच्चों को जो पसंद है आप वही बना के उनको दीजिए, तो वो खुश हो जाएंगे। और ज़्यादा टेंशन लेते हैं बच्चे एग्ज़ाम्स की, तो उनको प्यार से समझाइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर कीजिए, उनके खाने का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए। तो मैंने बना दिए हैं उसके बहुत ही मज़ेदार से पसंदीदा सैंडविच, तो ये मैं ज़्यादा बनाती हूँ, उसको बहुत ही प्यार पसंद है। तो सैंडविच की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल का विज़िट करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चीज़ मैंने बहुत ही कम डाली है, चीज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए, तो वो जिद कर रही थी, थोड़ी सी मैंने डाल दी ऊपर से। इसमें डाल दूँगी मैं ओरिगैनो, तो चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं खाती है वो, बस सिंपल से ही सैंडविच खाती है। थोड़ी सी स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बस सिंपल से ही सादे से सैंडविच बना देती हूँ मैं उसके लिए। ऊपर से मैं लगा दूँगी इसमें बटर। तो मैंने बनाए थे सैंडविच, तो इसमें आधे ही खा के गई थी, आधे छोड़ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसको टेंशन हो रही थी। तो स्कूल का जो टाइम है, एग्ज़ाम्स का टाइम है, वो चेंज हो गया था, यानी कि 9 बजे का हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे भी आराम मिल गया उठने में और पढ़ाई वगैरह करने में। तो अमरीन चली गई स्कूल पौने 9 बजे। उसके बाद मैंने घर का सारा काम किया, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मेरी भांजी आई हुई है पंजाब चंडीगढ़ से, तो उसके साथ मुझे शॉपिंग करनी, यानी कि मैं तो शॉपिंग नहीं करती, उसको शॉपिंग करनी थी, तो मुझे उसने बुलाया था, इसलिए मुझे जाना था। लेकिन मार्केट हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो क्या हुआ, मार्केट जब मैं गई तो मुझे ज़्यादा वीडियो शूट करने की मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतनी भीड़ वगैरह होती है मार्केट में, क्योंकि मोबाइल में निकालती ही नहीं हूँ, ना मुझे आदत है बाहर फ़ोन पे बात करने की या वीडियोस कुछ बनाने की, तो मैं ज़्यादा मार्केट की वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से मैंने अमरीन को फटाफट से दे दिए थे बना के। मैंने तवा रखा चूल्हे पे और थोड़ा सा हल्के से लो फ्लेम पे इसको सेक दिए थे, ताकि ये बिल्कुल भी ना जले, दोनों साइडों से अच्छे से सेक देंगे, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी हो गए थे। तो इसके बाद मैंने बनाने तक खाना जल्दी से, क्योंकि मैंने शाम तक का खाना बना लिया था, क्योंकि शाम को मैं थकी हारी आती, तो मुझसे खाना वगैरह काम कुछ भी नहीं होता है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो खाना वगैरह बना के ही जाती हूँ, ताकि आके मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिले, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं। तो हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को एकदम क्रिस्पी कुरकुरे सैंडविच बना के देंगे, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इन सैंडविच को, और आप भी खा सकते हो, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी खाती हूँ इनको। तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। लीजिए, हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 6, और हम जल्दी उठ गए थे, इस वजह से हमने नाश्ता भी जल्दी से बनाना पड़ा अमरीन के लिए। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा जूस दिया, खाती पीती बहुत ही कम है वो, बहुत ही ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो ज़्यादा ही केयर मांगता है, और कोई बच्चा एकदम अपने आप ही बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग यानी कि एक्टिव रहता है। तो इसके बाद अमरीन जब चली गई, तो इसके बाद मैंने बनाया खाना। तो आज मुझे बनाना था लंच में उड़द गोश्त, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है उड़द गोश्त। मेरे घर में सभी शौक से खाते हैं, घर में नहीं, मेरे सब जो रिलेटिव हैं सबके ये बनता है उड़द गोश्त, तो हम भी खाते हैं, वो भी आते हैं तो वो भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये, तो इंशाल्लाह ज़रूर से डालूंगी इसकी रेसिपी भी। तो इसके बाद मैंने जल्दी से बना लिया है उड़द गोश्त, आप देख सकते हैं कितने मज़े के, कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है, एकदम सोंधे सोंधे होते हैं, साबुत जो उड़द आते हैं ब्लैक वाले वो होते हैं ये। इसके बाद मैंने इसमें लगाया एक बढ़िया सा तड़का, थोड़ी सी डाली मैंने एकदम तीखी वाली मिर्ची, क्योंकि जो होता है उड़द गोश्त तो बहुत ही स्पाइसी चटपटा ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने जल्दी से लगाया आटा, रोटी बनाई फटाफट से, और तड़का लगाने के बाद मैंने जल्दी से खाना रख दिया, और अमरीन से बोलती रही थी आप और पापा खाना खा लीजिएगा,
और मैं जा रही हूँ मार्केट। इसके बाद मैं चली गई थी तो मुझे आने में 3 से 4 घंटे लग गए थे क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ होती है, तो निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। शॉपिंग में तो इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन निकलने में बहुत टाइम लग जाता है भीड़ में। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला, मेरे पास रधनी इस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं डाला, कोई बात नहीं मैं इसके बगैर ही चला लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्पाइसी उड़द गोश्त तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हमारे घर आ गई थी हमारी छोटी नंद और उनके बेटे, क्योंकि तालिब को देखने के लिए सब आ रहे हैं। तो ये हमारी छोटी नंद है और इनके बेटे हैं ये। इसके बाद ये लोग चले गए और हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे सेट हैं, बस मुझे इसे देखना ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं सेट नहीं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एयररिंग पहनती हूँ और ज़्यादातर गोल्ड ही पहनती हूँ, मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी वैसी चीज़ें तो मैं वैसे भी नहीं पहनती हूँ और मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही फेमस चूड़ी मार्केट सीलमपुर की। तो बस चलते चलते मैंने ऐसे ही शूट कर लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी चूड़ी मार्केट है, बहुत ही हर वैरायटी की, हर फैशन की इसमें चूड़ियाँ मिलती हैं, बहुत ही अच्छी सी। और इस टाइम तो इस मार्केट में थोड़ा सा सन्नाटा था, सुबह का टाइम था क्योंकि, और शाम के टाइम जो मगरिब के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो हमने मार्केट में जो भी शॉपिंग करना थी वो की, थोड़ा बहुत यहाँ से उधर उधर घूम लिए तो और आ गए थे हम घर पे। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ख़रीदना बिल्कुल नहीं था। और ये है दुपट्टे की शॉप, तो यहाँ से थोड़े से भांजी ने दुपट्टे वगैरह लिए। चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ बहुत जल्दी, अल्लाह हाफिज़।